नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। लोकसभा चुनाव 2019 का पहला मतदान 11 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुड़ गई हैं। जहां पर बीजेपी और एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा नाम है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में 3 राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हौसला बुलंद है। कांग्रेस पार्टी सोचती है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, पर जनता का मूड भी जानना बहुत जरूरी है। न्यूज नेशन ने ओपिनियन पोल कराया है और पूरे देश की जनता से सवाल पूछा है कि वो लोकसभा इलेक्शन 2019 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनकी पहली पसंद क्या है। तो न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में ये निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को 47% लोग चाहते हैं कि वो लोकसभा इलेक्शन 2019 में प्रधानमंत्री बने, यानी दोबारा प्रधानमंत्री बने। वहीं 30% लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को नकारते हैं, और राहुल गांधी को 30% लोग चाहते हैं वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं 11% लोग अन्य को चाहते हैं, और किसी नेता को चाहते हैं। वहीं इस पोल में 12% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने नहीं बताया कि हम किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में ये निकल कर आ रहा है कि साफ साफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए का पल्ला भारी है, राहुल गांधी का जो पल्ला कांग्रेस पार्टी का वो डाउन है, नीचे है। चलिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में कौन सी पार्टी कौन सरकार बना पाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आए तो आपको पता चल जाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर लिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।